यार बारिश तो अभी अभी रुक चुकी है, तो मैं अभी बाहर गार्डन में टहल रहा हूँ। सही हो गया, मतलब सुबह से बारिश हो रही थी, अब जाके रुक रुकी। 10 से 11 बज रखा है अभी, तो बारिश रुक रखी अभी, अब रुकी जाएगी। वैसे तो मौसम क्लियर ही हो रहा है। ये है यहाँ के। यार अभी हम जा रहे हैं नीचे, कहीं पूजा है उत्कर्षी नानी के मतलब पड़ोस में ही, तो हम वहाँ जा रहे हैं, उन्होंने बुलाया है। मतलब वट सवित्री का हो रहा था तो आज इसीलिए यहाँ पूजा है, तो अभी हम भी जा रहे हैं। तो गाइस यार अभी पंडित जी तो आए हुए नहीं है, उत्कर्ष और मैं यहीं पे बैठे हैं, मस्त जगह मिल गई हमें छाया में बैठने की। ये देख सकते हैं आप, बस पुराना मकान, काफ़ी पुराना मकान है, बहुत सालों पुराना मकान है, बहुत मस्त है। लेकिन यार देख बाहर से देखने में तो मज़ा आ रहा है, इसको मंदिर से कैसा है पता नहीं, कभी जाने का मौका होगा तो जाएंगे। लेकिन सही है घर, ओल्ड टाइम हाउस, ओल्ड इज गोल्ड। बिकॉज मंगलये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते आदि शक्ति श्री। तो गाइस अभी तो पहुंच चुके हैं हनुमान मंदिर, काफी बड़ा है, अभी पहले गुफा में चलते हैं। तो गाइस एक गुफा में तो पहुंच चुके हैं फाइनली, मैं जब आया था तब काफी अंधेरा था यहाँ, लेकिन अभी यहाँ पे उजाला उजाला दिख रहा है थोड़ा, तो चलते हैं हम फटाफट नीचे। एक गुफा मतलब बहुत मतलब पुरानी भी है, आर्किटेक्ट बहुत दिमागदार था इसका, जो भी है मस्त बनाई है, इनको पूरा वैष्णो देवी का डिजाइन दिया हुआ है। ये यहाँ रेलिंग है, लेकिन यहाँ का रास्ता आगे से है, जैसे यहाँ से हनुमान जी की मूर्ति शुरू है। ये तालाब है यहाँ का, थोड़ा सा पानी है यहाँ इस तालाब में, थोड़ा पानी, ज्यादा नहीं है, कभी चलता होगा ना ये, कभी चलते हैं आगे। ब्रिज है यहाँ पूरे वुडन वुडन इसमें बना रहा, तो ये है यहाँ पे मूर्ति वाले, और यहाँ की गुफा और अंधेरी है, कुछ दिखेगा नहीं शायद, जहाँ तक मुझे लगता है बहुत अंधेरी गुफा है, कम है यहाँ पे ज्यादा, मतलब पूरी मतलब मस्त डिजाइन है, काफी मस्त गुफा है भाई, हल्का सा डर टाइप का भी लग रहा है, जगह जगह लाइट लगाई है तो उससे ज्यादा नहीं लग रहा है डर यहाँ पे, लेकिन फिर भी लग रहा है। गुफा के अंदर पवित्रता बनाए रखे हैं, यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है, नीचे भागवत चल रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हाउस चलते हैं।
का श्रेष्ठ लक्ष्य जो है इधर भी आ चुके हैं आप दूसरे मंदिर में टॉप में नीचे भागवत का एरिया है भागवत चल रहे हैं ये है पूरा मंदिर यहाँ पे बैठने का है जो थक गया बैठ जाओ यहाँ सब ये पलतंग नहीं थी भाई आज लगाई ये नीम करौली बाबा का है नीम करौली बाबा के चप्पल भी हैं वैसे संकोन के साथ बेड भी रख रखा है तो ये दुर्गा मंदिर यहाँ पर काफी बड़ा है तो यहाँ हनुमान जी की मूर्ति काफी बड़ा है बेड भी है भोले बाबा का यहाँ पे भोले बाबा का यहाँ पे आज पानी नहीं आ रहा कल तो तक पानी आ रहा था आज नहीं आ रहा और मेरे ख्याल से तो आप इतना समय हो गया आप तो जान ले सो गाइस इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को यहीं पे करता हूँ मैं एंड आई होप कि आप सभी को पसंद आएगा पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करना जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में थैंक्स फॉर वॉचिंग